अमेरिका के फ्लोरिडा से इस वक्त हमारे पास है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोल्फ कोर्स के पास गोलियां चली हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और सुरक्षित हैं इस गोलीबारी के बाद। हालांकि ये साफ नहीं हुआ है कि गोलीबारी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप को निशाना बनाकर की गई थी या नहीं। यूएस सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो इस मामले की जांच कर रही है। वहीं ट्रंप कैंपेन ने एक बयान जारी करके कहा है कि एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर, ये सनसनीखेज खबर। अमेरिका के फ्लोरिडा में फायरिंग हुई है, ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित बताए जा रहे हैं। फायरिंग वाली जगह से एक AK-47 बरामद हुई है। दो तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी हैं। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास फायरिंग हुई है फ्लोरिडा में और मौके से AK-47 बरामद हुई है। एक संदिग्ध को पकड़ लिया गया है। ट्रंप कैंपेन ने बयान जारी करके कहा है कि एक संदिग्ध को इस मामले में पकड़ लिया गया है और यूएस सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि वो इस गोलीबारी के प्रकरण की जांच कर रही है। यह बड़ी खबर। मौके से एक AK-47 बरामद हुई है, यह बड़ी खबर। आइए अब आपको कुछ और डिटेल्स देते हैं इस गोलीबारी से जुड़ी हुई। ट्रंप पर फिर से जो हमले की कोशिश हुई है, आपको इस बारे में थोड़ा और विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। हमले के बाद FBI का बयान आया है, फ्लोरिडा में ट्रंप के गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी हुई है। और आपको बताएं कि ट्रंप से करीब 400 से 500 गज की दूरी पर था गोली चलाने वाला, यानी कि हमलावर। गोल्फ कोर्स के करीब झाड़ियों में यह हमलावर छिपा हुआ था। एक और तथ्य जो सामने आ रहा है वो ये है, और हमलावर ने गोल्फ कोर्स की तरफ AK-47 तान रखी थी और वहां से फायर किया। ये चीजें निकलकर सामने आई हैं FBI के बयान से। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर पर गोली चलाई। गोली चलाने के बाद हमलावर SUV गाड़ी में भाग गया वहां से। सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने हमलावर को बाद में पकड़ लिया। ये भी अपडेट आपको दे दें। और फायरिंग के वक्त गोल्फ खेल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। पूर्व राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं आगामी चुनाव में। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं और ट्रंप पर हमले की कोशिश की जांच कर रही है यूएस सीक्रेट सर्विस। तो ये चीजें निकलकर सामने आई हैं। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास फायरिंग पर डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सुरक्षित और सेफ हूं, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। यह भी उनका बयान है, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से। बयान जारी किया उन्होंने, उन्होंने कहा कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे कुछ भी रोक नहीं पाएगा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का। इस हमले के बाद, इस गोलीबारी के बाद उनका यह कहना है कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, मुझे कुछ भी रोक नहीं सकेगा और मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह देखिए आप, इससे पहले कि अफवाह कंट्रोल से बाहर निकले, मैं सुरक्षित और ठीक हूं यह बता दूं, कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा, मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का, जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है रिपब्लिकन पार्टी की ओर से और पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। तो बड़ी खबर। ट्रंप गोल्फ कोर्स के पास हमले पर बोली है कमला हैरिस, जो कि उनकी प्रतिद्वंदी है आगामी चुनाव में। उन्होंने कहा है कि मैं खुश हूं कि ट्रंप सेफ हैं, ट्रंप सुरक्षित हैं, अमेरिका में हिंसा की कोई जगह नहीं है। यह उनका बयान है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, ट्रंप के मुकाबले चुनाव में हैं। उनका जो बयान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गोलीबारी की खबरों के बीच जानकारी दी गई है और मुझे खुशी है कि वो सुरक्षित हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहती हैं, और साथ में ये भी जोड़ती हैं कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार, राष्ट्रपति पद की, डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबला उनका है आगामी चुनाव में।